बुलेटिन की सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर के झीरम घाटी में 8 साल पहले हुई नक्सली घटना की नए सिरे से जांच हो रही है। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री और न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन शामिल है। इस विशेष न्यायिक जांच आयोग का मुख्यालय रायपुर में और कैंप कार्यालय जगदलपुर में बनाया गया है। आयोग ने जांच के लिए तय बिंदुओं के आधार पर शपथ पत्र के जरिए जानकारी मंगाई है। बता दें आपको, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर दी थी। इस हमले में कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ला सहित कई नेताओं की मौत हो गई थी। जांच में नए बिंदुओं को जोड़ा गया था। झीरम घाटी जांच आयोग ने उन बिंदुओं पर जांच किए बगैर जांच की रिपोर्ट को सौंप दिया था। अब झीरम घाटी जांच आयोग पुनः राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए नए बिंदुओं को जांचकर झीरम घाटी कांड की सच्चाई जनता के बीच लाएंगे और झीरम घाटी नक्सली षड्यंत्र हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका सच जनता के बीच सामने आएगा। देखिए, हमारा तो पहले भी हमने कहा है कि झीरम घाटी के जांच हो गई है, उसका प्रतिवेदन आना चाहिए और सार्वजनिक उसको करना चाहिए। यदि उसमें कुछ बाकी है तो उस बात को सरकार को बातचीत करनी चाहिए, और उसका प्रतिवेदन जब तक सामने ना आ जाए, मुझे नहीं लगता दूसरे बनाने से उसका कोई लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की सरकार ये चाह रही है कि वो उसका खुलासा ना हो, और इस खुलासा से पता नहीं क्यों सरकार घबराई हुई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता रायपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए। कुलेश्वर, 8 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सच्चाई क्या है, इस घटना के पीछे का सच क्या है, ये सामने नहीं आया है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस तरह से जो 2 सदस्यीय टीम गठित की है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बात कुल मिलाकर वही है कि आखिर सच्चाई आएगी कब? ये जो नई 2 सदस्यीय टीम गठित की है, कितनी सार्थक होगी ये सरकार की पहल? काफी उलझते जा रहा है, लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही। आपको बता दूं, करीब 8 साल इस मामले में उल्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन थे, इसमें रचे थे, वो सामने नहीं आ पा रहे। आपको बता दूं कि कई बार इसको लेकर जो है NIA और राज्य सरकार हुई है, जिस तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट गया था, उसके बाद राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा गया था, राज्य सरकार ने भी कई सवाल खड़े किए थे कि आखिर वो रिपोर्ट उनको क्यों सौंपा गया। कुल मिलाकर अब जिस तरह से नए सिरे से जांच करने की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये मामला जो है उलझते ही जा रहा है, सुलझ नहीं रहा है। 8 साल बीत गए हैं, और चूंकि ये मामला इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पहले पंक्ति के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे वो इसमें शहीद हुए थे, नक्सलियों ने घात मारा था। कुल मिलाकर मामला उलझते ही के पीछे कौन था, कौन साजिश के तहत ये पूरा झीरम कांड हुआ था, वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। इसमें फिर से सियासी बयान भी बिल्कुल। कुल मिलाकर कुलेश्वर, कई सवाल हैं ऐसे जिनका सच सामने आना जरूरी है। देखना होगा ये 2 सदस्यीय जो नई टीम गठित हुई है, जो जांच होगी, इसमें क्या निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।